हेलो, कैसे हैं आप सब? हम लोग आज फिर से टेक्सटाइल मटेरियल्स के बारे में बात करने के लिए हमने सामने हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब जो कुछ हमने पिछली चैप्टर्स में पढ़ा है उसको आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम टेक्सटाइल प्रॉपर्टीज की बात शुरू करते हैं। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था कि हमने ये देखा था कि जो टेक्सटाइल की कपड़ों की जो विशेषताएं होती हैं वो किस तरह से तंतु की संरचना पर निर्भर करती हैं। आप जब बाजार में कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं तो आप ये सोच के जाते हैं कि आपको कपड़ा किस पर्पस के लिए, आपका कपड़ा खरीदने का उद्देश्य क्या है। आप उसे पार्टी में पहनना चाहते हैं, आप उसे घर में पहनना चाहते हैं, या आप उस कपड़े को किसी घर की किसी सजावट में काम में लेना चाहते हैं। जैसे आप चादर के लिए अगर कपड़ा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो अलग होंगी। आप अगर गर्मी के लिए कोई कपड़ा खरीदना चाह रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स आपकी अलग होंगी। आप सर्दी के लिए कोई कपड़ा खरीदना चाहते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स आपकी अलग होंगी। तो ये जो इसी आधार पर आप कपड़ों का चयन करते हैं, तो जिन ये जो आपके चयन के आधार होते हैं या जिनकी वजह से कोई भी कपड़ा पहनने योग्य बनता है वो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। और ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं कपड़े की, ये कई चीजों पर निर्भर करती हैं, जिनमें हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि जो उनकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी उनका जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है, उनके एटम्स होते हैं, उनके बीच के जो बॉन्ड्स होते हैं, उनके बीच के जो फोर्सेस होते हैं, उन एटम्स के को जो जोड़ के रखते हैं, उन पॉलीमर चेन्स जो होती हैं, वो किस तरह से फाइबर की प्रॉपर्टी को अफेक्ट करती है। और इसी फाइबर से चूंकि यार्न बनता है और यार्न से फैब्रिक बनता है, तो अल्टीमेटली ये जो फाइबर की प्रॉपर्टीज होती हैं ये फैब्रिक की प्रॉपर्टीज को इम्पैक्ट करती है। तो हमारा इस को समझने का जो उद्देश्य है वो है अंडरस्टैंडिंग द वेरियस फिजिकल मैकेनिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट फाइबर्स। लेकिन हम केवल यही तक ही सीमित नहीं रहेंगे, किस तक? फिजिकल मैकेनिकल और केमिकल तक ही सीमित नहीं रहेंगे। ये मोटे मोटे हमने इसको तीन भागों में बांटा है, फिजिकल मैकेनिकल और केमिकल। जबकि जब आप आगे आप यहाँ देख रहे हैं कि जो टेक्सटाइल्स की जो ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, प्रॉपर्टीज नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसकी प्रॉपर्टीज को बनाती हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज को तय करती हैं। अब ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? उसकी जो डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अब डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं? जैसे उसकी लेंथ, उसकी लंबाई, छोटे तंतु हो सकते हैं, बड़े तंतु हो सकते हैं, और जितना लंबा तंतु होगा वो उतना ही मजबूत रेशा तैयार करेगा, उसको ट्विस्ट हमको कम करना पड़ेगा, तो नेचुरल है कि उसकी सरफेस भी ज्यादा लस्चरस होगी। इसी तरह उसकी फाइननेस, उसकी डेंसिटी कितना सघन है। देन क्रॉस सेक्शनल शेप। क्रॉस सेक्शनल शेप का मतलब क्या हुआ कि किसी भी पदार्थ की जो लंबवत, उसकी जो हॉरिजॉन्टल काट होती है, यानी इस तरीके से जब हम कपड़े को, किसी भी पदार्थ को जब हम ऐसे काटते हैं आड़ा, तो ये जो आड़ा कट होता है उसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल शेप। जैसे अब इसकी एक क्रॉस सेक्शनल शेप है, ये गोलाई में है, तो ये इसकी क्रॉस सेक्शनल शेप है। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल शेप्स होती हैं, ये भी ये कैसे इंपैक्ट करती हैं, ये अब हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। इसी तरह होती है उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो इसकी स्टैटिक चार्जेस, कपड़ा कितना
कितने स्टैटिक चार्जेस को प्रोड्यूस करता है, उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कैसी है, उसकी जो थर्मल प्रॉपर्टीज है कपड़े की वो किस तरीके की है, उसकी एब्जॉर्प्शन की क्षमता कैसी है, वो कितना मॉइस्चर रीगेन करता है। रीगेन करना और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना दो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो फाइबर की प्रॉपर्टीज को इम्पेक्ट करती हैं। रीगेन का मतलब कितना मॉइस्चर वो वापस लेता है सूखने के बाद, और मॉइस्चर कंटेंट का मतलब होता है कि कंटेंट और मॉइस्चर रीगेन यानी एक बार पूरी तरह ड्राई होने के बाद वो फिर से कितनी नमी को अवशोषित कर लेता है। और ये जो नमी अवशोषण की बात होती है, तो जैसे सूती कपड़े होते हैं पसीना सोख लेते हैं, सर्दी बरसात के दिनों में ये जो कपड़े होते हैं ये आपको हमेशा गीले गीले, इनमें नमी बनी रहती है। तो ये नमी को बने रहना क्या है, ये नमी को बने रहने का मतलब होता है कि वो कितना उनमें मॉइस्चर रीगेन की क्षमता है, नमी को फिर से धारण करने की क्षमता है। इसी तरह से हम बात करते हैं केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, उनकी एल्कलीज के प्रति, एसिड्स के प्रति या सॉल्वेंट्स के प्रति, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के प्रति किस तरीके की वो प्रतिक्रिया देते हैं, ये आती है उनकी रासायनिक विशेषताओं में। इसी तरह उसकी जो थर्मल प्रॉपर्टीज होती है यानी वो कब पिघलता है, कब वो सॉफ्ट हो जाता है, कैसे वो झुलसता है, कैसे वो खत्म होता है, ये सब कहलाती है उसकी थर्मल और थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसी तरह हमारी लास्ट है एक जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, वो है उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जो आप सबसे पहले देखना चाहते हैं कि वो कितना मजबूत है, कितना खिंच सकता है, वो कितना मुड़ सकता है, और वो कितना आपको जो आप जब जो डेली वियर के आपके काम होते हैं खासतौर से जैसे स्पोर्ट्स का अगर कोई है तो वो कितना मजबूत है, उसकी टफनेस कैसी है, वो आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है कपड़े की। और ये जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी कपड़े की, वो उस कपड़े को या उस तंतु को उसकी एक अच्छा कपड़ा बनाने की विशेषता प्रदान करते हैं। अब हम बात करते हैं कपड़े की डायमेंशनल प्रॉपर्टीज की। ये डायमेंशनल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डायमेंशनल प्रॉपर्टीज है उसका आकार प्रकार। किसका आकार प्रकार? तंतु का आकार प्रकार। ये कैसे प्रभावित करता है? जैसे ये प्रभावित करता है उसकी कोहेसिवनेस को, कोहेसिवनेस यानी आपस में जुड़े रहने की क्षमता को, तंतुओं के जुड़े रहने की क्षमता को, उसकी रेजिलेंसी, लॉफ्ट एंड थिकनेस को, वो कितना दबता है, दब के वापस ऊपर आ जाता है, उसकी एब्रेजन रेजिस्टेंस को यानी जब वो कपड़ा घर्षण के संपर्क में आता है, कपड़े पे घर्षण लगता है तो वो उसका कितना प्रतिरोध कर पाता है। तो घर्षण तो लगेगा ही, जब आप कोई कपड़ा पहनेंगे, कपड़ा पहन के कोई काम करेंगे तो किसी भी तरीके के कपड़े में घर्षण तो होता ही होता है। फिर पिलिंग एंड कंफर्ट फैक्टर्स, रोया कितना निकलता है और कितना आरामदेह होता है, यानी उसकी कितनी एब्जॉर्बेंसी है, कितना शोषण की क्षमता है, नमी स्पेशली अब पसीना जो हम जैसे भारत जैसे गर्म देश में जब हम रहते हैं तो हम चाहते हैं कि कपड़ा ऐसा हो जो हमारे पसीने को सोख ले और चिपचिपा भी महसूस ना हो। वार्म्थ, जब हम ठंड के मौसम में जब बहुत ही तेज सर्दी पड़ती है तो आप चाहते हैं कि कपड़ा गर्म हो, आपको गर्माहट दे। अब ये जो शेप्स होती हैं ये किस तरीके की होती हैं, जब हम बात करते हैं साधारण तौर पर आप कहेंगे कि शेप का मतलब क्या है, तंतु मतलब तंतु एक धागा होता है, इसमें क्या खास बात होती है? खास बात होती है आप यहाँ देखिए कि यहाँ आपको कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। आप सबसे पहले जिसको आप सबसे साधारण तौर पे जानते हैं वो है कॉटन, सूती वस्त्र। ये सूती वस्त्र क्या होते हैं? सूती तंतु जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपकी रुई होती है, आपने सबने रुई देखी होगी, तो ये वो रुई है। तो जब आप रुई के जो तंतु होता है उसको जब आप माइक्रोस्कोप में नीचे देखेंगे तो ये कुछ मुड़ा हुआ होता है,
और जब इसको आप मर्सराइज करते हैं, मर्सराइजेशन आप आगे पढ़ेंगे जिसमें हम NaOH के साथ उसका कॉन्टेक्ट उसको ट्रीट करते हैं कॉटन को, तो उससे क्या होता है इस जो कॉटन का फाइबर होता है, जो सूती रेशा होता है, उसमें कुछ कन्वर्जन्स होते हैं, यानी उसमें कुछ ट्विस्ट होते हैं। तो जैसे ही आप उसको NaOH के साथ कॉन्टेक्ट कराते हैं तो एल्कली के साथ रिएक्ट करके ये कॉटन की जो ट्विस्ट होते हैं वो कुछ खुल जाते हैं और कपड़ा कुछ इस तरीके, तंतु जो होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। अब आप अंतर स्पष्ट कीजिए कि अगर ये कॉटन बिल्कुल इस तरीके से ट्विस्टेड हो और एक इसकी सरफेस स्मूथ हो गई, इसकी प्रॉपर्टीज में अंतर आएगा। क्या अंतर आएगा? ये अंतर आएगा कि जब इस पर, जब बिल्कुल इस तरीके की सरफेस पे कोई रे गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लाइट रेज। तो ये ज्यादा लस्चरस दिखाई देगी, सतह में चमक अधिक हो जाएगी, इसकी एब्जॉर्बेंसी इंक्रीज हो जाएगी और ये ज्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि इसकी ऐंठन जो होगी, इसमें जो ट्विस्ट होंगे वो बहुत अच्छी तरह बनेंगे, तो जो बनने वाला रेशा होगा, वो बनने वाला जो धागा होगा, वो इससे बहुत मजबूत होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं वूल का। ये वूल में आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें स्केल्स हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये स्केल्स हैं। स्केल्स का मतलब क्या हुआ? जैसे ये एक स्केल है और इस स्केल के ऊपर ये दूसरा स्केल है, इस तरीके से यहाँ एक के ऊपर एक रहता है, तो ये जो दो के बीच की जो स्पेस बनती है ये एयर को ट्रैप कर लेती है, हवा को बीच में रोक लेती है, और ये जो बीच की हवा होती है ये इंसुलेशन का काम करती है। इंसुलेशन का मतलब अंदर की जो बॉडी की हीट होती है उसको बाहर नहीं आने देती, और बाहर का जो ठंडा है, ठंडक है, उसको अंदर नहीं आने देती है, तो ये इंसुलेटर, और इसीलिए ऊन गर्म होती है। तो आप समझ रहे हैं कि शेप किस तरीके से तंतु की विशेषता को प्रभावित करती है। इसी तरीके से ये जितने भी फाइबर्स हैं ये सब की एक विशेष तरह की आकृति होती है जो तंतु की जो मूलभूत प्रकृति है उसको निर्धारित करती है, और तंतु की प्रकृति धागे की प्रकृति को, और धागे की प्रकृति अंतिम रूप से बनने वाले कपड़े की प्रकृति को निर्धारित करती है, तय करती है। इसके बाद आता है लेंथ, लंबाई। लंबाई जो तंतु की लंबाई होती है उसको हम दो हिस्सों में यहां बांट रहे हैं, एक होती है स्टेपल और एक होते हैं फिलामेंट यार्न्स। यहां आप देखिए ये स्टेपल फाइबर्स है। स्टेपल फाइबर्स मतलब ये जिनकी लंबाई कम है। हाँ, यहाँ आप देखिए शॉर्ट स्टेपल फाइबर्स कौन से होते हैं, जिनकी लंबाई 1 inch या उससे कम होती है। मीडियम स्टेपल होते हैं 1.3 से 1.25 inches, लॉन्ग स्टेपल होते हैं 1.16 से 1.38 inches, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल होते हैं 1.9 inches एंड अबव, यानी इससे लंबे जो होंगे वो कहलाएंगे एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल। और ये जो है आपको ये जो दिख रहे हैं ये है फिलामेंट यार्न्स, यानी ये देखिए ये एक ही है जबकि ये अलग अलग है, तो ये होते हैं फिलामेंट यार्न्स। और फिलामेंट यार्न्स यानी लॉन्ग कंटिन्यूस फाइबर्स ऑफ इनडेफिनेट लेंथ मेजर्ड इन यार्ड्स और मीटर्स, मतलब कि ये कंटिन्यूस लेंथ वाले असीमित लंबाई वाले धागे होते हैं जिनको हम यार्ड्स में या मीटर में नापते हैं। क्लियर? ये जो लंबाई होती है, तंतुओं की जो लंबाई होती है, ये किन किन चीजों को प्रभावित करती है बताएं? ये प्रभावित करती है उसकी स्पिनिंग की लिमिट को, यानी उसकी जो ऐंठने की क्षमता है उसको प्रभावित करती है, यार्न की इवननेस को प्रभावित करती है। इवननेस यानी कितना खुरदरा होगा, कितना समतल होगा हैंडल ऑफ द प्रोडक्ट, उसकी छुअन कैसी होगी, उसकी चमक कैसी होगी, उसमें कितना रोएदार होगा, तो ये सारी चीजें उसकी लेंथ से हम पता कर सकते हैं कि उसकी क्या विशेषताएं होंगी उस बनने वाले, उससे बनने वाले कपड़े की। इसके बाद हम बात करते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल देख लें आप लेंथ के। जैसे हमने कहा अलग अलग लंबाई के होते हैं, तो यहाँ जो आप ये देख रहे हैं ये ऊन है, भेड़ के बाल, वूल इज हेयर फाइबर, तो ये बाल है। आप देख सकते हैं तरह तरह के बाल हैं, किसी में क्रिम्प है, किसी में ज्यादा क्रिम्प है,
किसी में कम क्रिम्प है, किसी की लंबाई इतनी है तो किसी की लंबाई ज्यादा है। ये उनकी जहां से भी ये प्राप्त होते हैं, अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग जानवर भेड़ों से, अलग अलग प्रजाति की भेड़ों से, बकरियों से हमको ये ऊन प्राप्त होती है, तो इनकी लंबाई भी होगी। जितना लंबा धागा होगा वो उतना ही मजबूत होगा, जितना लंबा और जितना बारीक धागा होगा वो उतना ही मजबूत होगा। अब इसी तरीके से आपने वूल में देखा, इसी तरह कॉटन में भी होता है। ये इजिप्शियन कॉटन है, इजिप्शियन कॉटन की जो लंबाई होती है वो इंडियन कॉटन की तुलना में ज्यादा होती है। तो ये जो इजिप्शियन कॉटन से बनने वाला कपड़ा होता है ये ज्यादा फाइन क्वालिटी का होता है। इसके बाद हम बात करते हैं लस्चर की। लस्चर यानी चमक, किसी भी कपड़े में कितनी चमक है। आपने नायलॉन देखा है, आपने सिल्क देखा है, आपने बहुत सारे ऐसे कपड़ों को भी देखा होगा जिनमें बिल्कुल चमक नहीं होती है। तो ये जो चमक होती है ये क्या है? चमक है कि ये जो आपकी लाइट रेज होती है, इंसिडेंट एंगल ऑफ लाइट, ये जो आपको दिखाई देता है, ये जो एंगल बनता है, लाइट ये आ रही है और यहाँ से जा रही है, तो ये जो इसका इंसिडेंट एंगल है ये बताता है कि कपड़े में कितनी चमक होगी। इसका एक चीज जो इम्पोर्टेंट है उसमें वो ध्यान रखने वाली ये है कि जितनी स्मूथ सरफेस होती है लाइट उतनी ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है। जितनी ज्यादा कर्व सरफेसेस होंगी लाइट का जो एंगल है रिफ्लेक्शन का वो बदल जाता है और यहाँ जो चमक होती है वो कम हो जाती है। ये बिल्कुल अनइवन सरफेस है, यहाँ लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है बल्कि स्कैटर्ड हो रही है, फैल रही है। तो ये जो इस तरह ये क्या है, ये आपको ये ए बी और ये सी क्या चीज है, ये क्रॉस सेक्शनल शेप है। जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि किस तरीके से जो क्रॉस सेक्शनल शेप्स होती हैं वो यार्न की फाइबर की प्रॉपर्टी को इंपैक्ट करती हैं। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि जो फाइबर की प्रॉपर्टीज हैं उस पर किस तरीके से वो किस तरीके से लस्चर को प्रभावित करती है। ये आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये नायलॉन है, इसमें कितनी चमक होती है। इस नायलॉन में इतनी चमक होती है बनते समय कि इसको नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता, देखने में बहुत तकलीफ होती है। तो इसके अंदर इसकी चमक को कम करने के लिए इसमें टिटेनियम डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। और ये टिटेनियम डाइऑक्साइड क्या है, बेसिकली ये छोटे 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 बिखरे हुए समूह होते हैं जो जब आप इन फिलामेंट्स के ऊपर डालते हैं, नायलॉन फिलामेंट्स के ऊपर, तो ये जो लाइट रेज जब उसके ऊपर गिरती है तो उनको भी ये स्कैटर्ड कर देते हैं, तो इनकी चमक कम हो जाती है। तो क्रॉस सेक्शन कैसा है, उसकी जो सरफेस में इरेगुलर है या रेगुलर है, ये सारी चीजें आपकी लस्चर को इम्पेक्ट करती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? सघनता। आप समझते हैं डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी होती है कि कोई चीज कितनी डेंस है, यानी उसके अंदर कितनी मात्रा है किसी भी चीज की। अब जो चीज जितनी डेंस होगी, जितनी भी उसमें सघनता होगी, उसका जो माप होगा वो ही घनत्व होती है, उसको ही हम घनत्व कहते हैं। किसको घनत्व कहते हैं? जो आप पास पास जब किसी चीज को रखते हैं तो जो जितना कॉम्पैक्ट होता है वही उसका घनत्व कहलाता है। उदाहरण के तौर पर आप देख लें कि अगर 1 किलो ऊन है या आप रुई को देख लें, 1 किलो रुई हो और 1 किलो कॉटन हो, तो घनत्व किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियस है कि घनत्व ज्यादा होगा आपके लोहे का, आयरन का, और ऊन का जो घनत्व होगा वो कम होगा। तो डेंसिटी क्या चीज होती है? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ? वॉल्यूम हुआ कि जितना स्थान किसी ने घेरा है। और मास क्या चीज हुई? मास हुई कि उस पदार्थ में कितना मैटर है।
दोनों को जब हम देखते हैं तो डेंसिटी क्या है, कोई भी चीज है वो उसमें कितना मास है, और वो मास किसमें, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर। तो डेंसिटी क्या हुई, डेंसिटी रेशियो हुई मास और वॉल्यूम का। तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। और जितने भी फाइबर्स होते हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज होती हैं, अलग अलग उनकी डेंसिटीज होती हैं। जैसे कॉटन की डेंसिटी 1.55 है, सिल्क की 1.33 है, और यहाँ नायलॉन की आप देखें तो 1.13 है। तो इसी तरीके से ये तरह तरह की जितनी तरीके के फाइबर्स हैं उतनी ही तरह की उनकी अलग अलग डेंसिटीज होती हैं। ये यहाँ पर आपको कमर्शियल नेम दे रखे हैं फाइबर्स के, आप इनके आधार पर इनको याद करिएगा, ताकि जो आप जब एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि कौन सा फाइबर में की डेंसिटी कितनी है। कॉटन की डेंसिटी 1.55 है, सिल्क की 1.33। तो अब इनमें से आप एक चीज को और समझें, यहाँ ये कैसे इम्पैक्ट करती है फाइबर, हम फाइबर प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं ना, तो ये फाइबर प्रॉपर्टीज को कैसे इम्पैक्ट करती है। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी किसी कपड़े के अंदर, वो उसका जो एरिया है, उसका जो कवरिंग पावर है, जो जितना वो सरफेस को कवर करता है वो अलग हो जाएगा। जैसे जो कॉटन है उसका डेंसिटी ज्यादा है तो उसकी जो कवरिंग पावर है, यानी वो जो, जब आप मान लीजिए एक आपने एक टेबल पे कॉटन बिछाया और एक टेबल पर आपने सिल्क बिछाया, तो सिल्क ज्यादा फैलेगा कॉटन के कंपैरिजन में, तो ये कहलाती है उसकी कवरिंग पावर। और यही डेंसिटी कपड़े की जो अपीयरेंस है उसको प्रभावित करती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को, उसकी एयर परमिएबिलिटी को इम्पेक्ट करती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो आज का लेक्चर है इसमें आपको काफी कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो मैं चाहूंगी कि आप कमेंट सेक्शन में जाके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के मुझे बताएं, और अपनी क्वेरीज को आप लोग पोस्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।